आप समा आप कहते जनता के सामने आते, आपके मन की बात करने में बड़े माहिर हैं, आप मन की बात करते तो ऐसा क्या होता है, आपको ऐसी क्या दिक्कत हो जाती है कि आपका जीएसटी लागू होना हो, नोटबंदी आपका रातों रात लागू हो जाता है, किसी को पता नहीं। लोग कहते हैं अच्छा धरना प्रदर्शन के लिए तो पंजाब और हरियाणा के किसान पहुँच रहे, बिहार के किसान तो पहुँच ही नहीं रहे। बिहार के किसान पहुँचेंगे कैसे, उनको किसान रहने दिया होता तब तो पहुँचे, उनको तो आपने मजदूर बना के छोड़ दिया जिनके पास भारत का पैसा तक नहीं है, रिक्शा से जाना हो टेम्पो से जाना हो पटना पहुंचने के बेचारे के पास पैसे नहीं रह गए, तो और क्या बात करें कि उनकी दुर्दशा और क्या है जिनके पास यहाँ पहुंचने के लिए पैसे नहीं है। तो हमने तो मजदूर बना करके यहाँ पे आप यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने रख के किसी भी तरीके से सर किसानों को इग्नोर करके आप उद्योगपति को प्रश्रय दे रहे हैं, उद्योगपति को आप फेवर कर रहे हैं वो दिख रहा है। ये आप मुझे एक बात बताइए ना, इतना ज़्यादा आँख छुपाने की क्या जरूरत है, आप इतने ही आप सच्चे हैं तो क्यों आपने जून महीना में कोरोना के टाइम में इस तरह का ऑर्डिनेंस पास किया। मैं बता दूं कि जो लोग अभी हमसे जुड़े हुए हैं यहाँ, तो हम बता दें कि जो तीन काले कानून सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, किसानों के साथ है और काले कानून के खिलाफ है। बात जहाँ पर ये हो रही थी कि सिर्फ पूरे देश में सिर्फ 6% लोगों को ही MSP का लाभ मिलता है, वहाँ पे जहाँ डिमांड और बात आज तक ये चल रही थी कि 6% से ज्यादा यानी कि 100% किसानों को उसके मेहनत का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए, वो बात को छोड़ दीजिए, 100% लोगों को मिले ये बात तो हवा हवा, ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया पागल है जो ऐसी बात कर रही है, किसी के 100% लोगों के 100% अधिकार की बात करना क्या गलत है। आज यहाँ पे किसानों के साथ जो होता रहा है इस देश में, जितना इनजस्टिस इन 15 सालों की अगर हम बात करें तो स्थिति और भी खराब हुई और खराब होती चली गई है। जहाँ हमारा डिमांड ये था कि 100% लोगों किसानों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए MSP में, वो तो हुआ नहीं। NSSO की रिपोर्ट देख लीजिए, वो क्या कहती है, नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, उनकी अगर बात करें उनके रिपोर्ट की आप बात करें तो वो रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 6% लोगों को उनका लाभ मिलता रहा है। मांग यहाँ 100% लोगों की हो रही है और आप कह रहे हैं देंगे नहीं। जब आप पे दबाव बनता है तो आप कहते हैं कितना ज्यादा आप मैनिपुलेट करते हैं, आपका मतलब मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से है, इस गवर्नमेंट से जिसने ये विधेयक लेके आए हैं उनसे बात करें जिन्होंने हम तो कहते हैं कि जबरन एक तरह से कहें कि जबरन इस ऑर्डिनेंस को पारित किया गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जून महीने में जब कोरोना फैला हुआ है उस टाइम पे आपको इस तरीके से सदन में हंगामा क्रिएट करके आप कहते हैं आपने सदन से पारित किया है, तो अपने ही लोगों का आपकी पार्टी है इस बार अच्छे है उसमें आई आपकी, तो आप अपने ही लोगों को बिठा के कोई चीज़ पारित करवा लेंगे, विपक्ष भी कोई चीज़ होती है उनको भी सुनिए, जनता भी कोई चीज़ होती है उनको सुनिए, यहाँ तक कि गाँव में अगर हमें एक चीज़ करना पड़ता है, आप गांधीवादी की बात करते हैं, गांधीवादी होने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आप गांधीवाद को मानते हैं, तो गांव में जब हम लोग छोटा सा डिसीजन भी जब हम लेते हैं तो हम ग्राम सभा करते हैं और ग्राम सभा में लोगों की सर्वसम्मति से पारित करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि जब वहां पे मार्केटिंग तोड़ा गया, हंगामा हुआ, बावजूद भी विपक्ष की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया कि वो क्या कह रहे हैं, आप अपने ही लोग मिल करके कोई ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं और आप कहते हैं ये लागू हो गया, क्यों विपक्ष को होना ही नहीं चाहिए, क्यों आम जनता की आवाज़ को उठने के लिए कोई होना ही नहीं चाहिए। दूसरी तरफ ये आप कहते हैं कि ये राजनीति की जा रही है, मुझे आप बताएं कि राजनीति होता क्या है, अगर विपक्ष है और अगर वो मुद्दा उसे गलत लग रहा है और आज वो उसके साथ है और उसके साथ रहने आज गरीब किसानों के साथ अगर कोई भी है, वो विपक्ष के लोग हो, पक्ष के लोग हो, खेतों में रहने वाले लोग हो, गांव में रहने वाले लोग हो, चौक चौराहे में रहने वाले लोग हो, जहाँ के लोग हो, अगर गलत के साथ है और उसको अगर आप राजनीति का रंग देना देते हैं तो मुझे लगता है कि आज देश को शायद ऐसे ही राजनीति की जरूरत है, ऐसी राजनीति होनी चाहिए क्योंकि यही पॉजिटिव राजनीति है। और जिनको भी जिस सरकार को दमनकारी सरकार को ये लग रहा है कि उन्होंने जो किया है वो सही किया है, तो हम एक बार उनसे कहना चाहते हैं कि वो गांव में जाएं
गरीब किसानों के बीच जाए, उनके खेतों में जाए, उनके घरों में जाए, उनके घरों के हालात को देखे, उनके घरों की क्या स्थिति है उनको देखे। आप इस भंडारण की सुविधा की बात कर रहे हो कि हमने जो चीज़ें पहली उसकी पहले भी हम लोगों ने भंडारण की जो बात हुई थी कि कोई भी स्टोर कर सकता है, उसके लिए किसी उद्योगपति हो, डीलर हो, आम व्यक्ति हो, आम किसान हो, वो स्टोर कर सकता है। उसके साइड इफेक्ट के बारे में आपने नहीं सोचा, उस वक्त स्थिति क्या हुई, हटाना पड़ा, इस कानून को हटाना पड़ा। क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि अनाज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, लोग स्टोरेज कर लेते थे, बेचते नहीं थे, इंतजार करते थे कि जब कीमत बढ़ेगी तब हम बेचेंगे। परिणाम क्या हुआ? ये कानून हटाना पड़ा। आज ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको ये कानून दोबारा लेके आना पड़ा? क्या ज़रूरत आन पड़ी आप बताएं? आज आलू सस्ता है, हमने आलू का स्टोर कर लिया, छूट है स्टोर करने की, जब महंगा होगा तब बेचेंगे। तो किसानों को तो कीमत नहीं ही मरी मिली, एक गरीब व्यक्ति भी मारा जाएगा, हम और आप भी मारे जाएंगे। ये कानून गरीब से गरीब व्यक्ति को और ज़्यादा प्रभावित करेगा और ज़्यादा गरीब करेगा, ये आप मान लीजिए। जो चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है, ये इस मुझे तो मतलब ही नहीं समझ में आ रहा कि इस तरह ये लाने की ज़रूरत क्या थी, भंडारण की छूट देने की ज़रूरत क्या थी। लोग अच्छा उस पर वो कहते क्या है कि हम तो किसानों को भी छूट दे रहे हैं, हमने तो किसानों को भी कहा है कि तुम भी स्टोरेज करो। आप बताओ जिस किसान के पास रहने को झोपड़ा नहीं है वहाँ पे वो कहाँ स्टोर करेगा, कहाँ डालेगा? जिसका अपना घर खुद का बारिश में टपक रहा हो वो स्टोर कहाँ करेगा? ये मजाक बनाने वाली बात नहीं है, ये मजाक बनाया जा रहा है, लिटरली किसानों का, गरीबों का बखौल उड़ा रहे। हम आप कह रहे हैं हम तो किसानों को छूट दे दिए, किसान कहाँ रखेगा अनाज, कहाँ रखेगा वो, कहाँ उसे अगला फसल लगाना है, उसको अगला फसल लगाना है, उसको अगला बीज खरीदना है, उसको खेत खाली करना है, जब उसके लिए वो कहाँ से पैसे लाएगा? MSP में भी कौन सा आप तुरंत का तुरंत पैसे दे रहे थे? आपको जहाँ सुधार की ज़रूरत है कि पैसे इमीडिएट मिले, आप वहाँ सीधा हटा दे रहे हैं। और हटाने पर जब आप पे प्रेशर बनता है तो कह रहे हम तो किसानों को भी दे रहे हैं और हम बाकी को भी छूट दे रहे हैं कि वो भी अपना कर दे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छा है जब इंश्योरिटी हो। गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती रही है एक तरह से। कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ये कहती थी अच्छा ठीक है किसान आप धान लगाओ हम इस रेट में खरीदेंगे, आप गेहूँ लगाओ हम इस रेट में खरीदेंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसान ने लगाया, लेकिन सिर्फ 6% लोगों को ही इसका लाभ मिलता रहा वहाँ पे। लेकिन एज ए गवर्नमेंट एक इंश्योरिटी रहती है कि ठीक है वो उनकी फसल खरीद ली जाएगी। अब आप कह रहे हो प्राइवेट सेक्टर के साथ आप अनुबंध करो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर के साथ करो। लोग कहते हैं अच्छा धरना प्रदर्शन के लिए तो पंजाब और हरियाणा के किसान पहुँच रहे, बिहार के किसान तो पहुँच ही नहीं रहे। बिहार के किसान पहुँचेंगे कैसे? उनको किसान रहने दिया होता तब तो पहुँचे, उनको तो आपने मजदूर बना के छोड़ दिया जिनके पास भाड़े का पैसा तक नहीं है, रिक्शा से जाना हो, टेम्पू से जाना हो, पटना पहुँचने के बेचारे के पास पैसे नहीं रह गए। तो और क्या बात करें कि उनकी दुर्दशा और क्या है जिनके पास यहाँ पहुँचने के लिए पैसे नहीं है? तो हमने तो मजदूर बना करके यहाँ पे आप यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने रख हम किसान हम सरकार को बगल में रख देते हैं, हम सारी चीज़ों को एक इंसानियत के नाते हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। एक किसान जो मेहनत मजदूरी करके दिन रात अपने खेतों में रह करके फसल उगाता है और पूरे देशवासियों का पेट भरने का काम करता है, क्या उस किसान को उचित पैसे मिल जाए, कीमत मिल जाए, इसकी इंश्योरिटी नहीं होनी चाहिए? क्या अनाज का दाम जो एसेंशियल गुड्स हैं उसके रेट ना बढ़े, इसकी जिम्मेवारी क्या सरकार की नहीं होनी चाहिए? क्या किसी भी तरीके से किसानों को इग्नोर करके आप उद्योगपति को प्रश्रय दे रहे हैं, उद्योगपति को आप फेवर कर रहे हैं वो दिख रहा है? ये आप मुझे एक बात बताइए ना, इतना ज़्यादा आँख छुपाने की क्या ज़रूरत है? आप इतने ही आप सच्चे हैं तो क्यों आपने जून महीना में कोरोना के टाइम में इस तरह का ऑर्डिनेंस पास किया? आप कहते जनता के सामने आते आपको मन की बात करने में बड़े माहिर हैं, आप मन की बात कर, तो ऐसा क्या होता है आपको ऐसी क्या दिक्कत हो जाती है कि आपका GST लागू होना हो, नोटबंदी आपका रातों रात लागू हो जाता है किसी को पता नहीं, तब किसको भुगतना पड़ा? जब नोटबंदी हुई समझ में आ रहा था कि पता नहीं कितने काले धन पकड़े जाएंगे, लेकिन घंटों
गरीबों को लाइन में खड़े रहना पड़ा, नहीं रहना पड़ा। तो ऐसी स्थिति आप क्यों बनाते हैं, आप नजरें क्यों छुपाते हैं, आप चोर दरवाजे से एंट्री मारने का काम हर बार क्यों करते हैं, या चोर दरवाजे से आप किसी चीज को क्यों लेके आते हैं? तो ये बात मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर इतनी हिम्मत थी तो सामने आके करना था ना, इंतजार करना था कोरोना खत्म होने का, मन की बात करनी थी, बताना था कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, और उनके कमेंट्स देखे जाते, बताए जाते, पूछे जनता से आकर के पूछते, जैसे वो आते हैं टीवी स्क्रीन पे अपना चेहरा लेकर के पूछते ना कि भाई आप लोग, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आप लोग क्या सोच रहे हैं, वो तो होता नहीं है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं।